हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट क्लास सिक्स मैथ एंगल। तो एंगल क्या है देखते हैं। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एच अदर दे फॉर्म एन एंगल। दो ठो लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करने से वो वहाँ एंगल बनता है। वी ऑप्टन कॉम अक्रॉस द फिजिकल ऑब्जेक्ट। हम फिजिकल ऑब्जेक्ट को देख के एंगल किसे बनता है वो पता करेंगे। टू आर्म, दो टू आर्म को एक साथ ज्वाइन करने से वहाँ जो कॉमन पॉइंट बनता है वहाँ एंगल बनता है। टू हैंड ऑफ द क्लॉक, क्लॉक का ये जो दिख रही है, क्लॉक का दो टू हैंड में जो एक ही बिंदु में एक ही पॉइंट में जो ज्वाइन होते हैं वहाँ एक टू एंगल बनता है। टू पार्ट ऑफ द सीजर योर फिगर, जो सीजर के टू पार्ट यहाँ यहाँ एंगल बनता है। द कॉमन एंड डिटेल पॉइंट, उनके जो एक एक टू कॉमन एंड डिटेल पॉइंट होता है वहाँ पर क्या एंगल बनता है। दिस गिव अस द आइडिया ऑफ ए एंगल ऑफ ज्योमेट्री, इससे पता चलता है एंगल ऐसा होता है। तो देखो यहाँ ए बी और बी सी एक ही पॉइंट में बी पॉइंट में इंटरसेक्ट हुए हैं तो यहाँ एंगल बन रहा है एंगल बी। देखो देखते हैं, इन द गिवन फिगर टू रो बी और बी सी विद द कॉमन डिटेल पॉइंट बी फ्रॉम ए, ये दोनों जो रो एक ही पॉइंट में डिटेल हो रहे हैं वो वहाँ एंगल बन रहा है एंगल बी। देन द गिवन एंगल डोनेट बाय एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ई एंड रीड एज द एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ई। तो सिंबल ये एंगल का सिंबल है स्टैंड फॉर एंगल। वी कैन ऑल्सो डोनेट दिस एंगल सिंपली एंगल बी, इसको एंगल बी भी सिंपली में पढ़ सकते हैं। एंगल ए बी सी द एच सेम एज एंगल सी बी ई इन डोनेट एन एंगल द वर्टेक्स ऑफ एंगल इन रिटेन एज द मिडिल, जो मिडिल में रहता है उसको एंगल ऑफ वर्टेक्स भी पढ़ते हैं। तो नोटेशन द कॉन्टिनेंट हैज द सेवरल लाइन ऑफ द कॉन्करेंट, ये दो टो लाइन जो एक ही पॉइंट में कॉन्करेंट हो रहे हैं वहाँ एंगल बन रहा है। ये एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी, ये दो टो एक ही पॉइंट में ये दो टो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं और कॉन्करेंट होके हैं तो यहाँ एंगल बन रहा है। तो आगे देखो, एंगल टू टाइप का होते हैं, एक्सटेरियर एंगल इंटीरियर एंगल। तो ये जो ए सी और ए बी दो टो लाइन है ये एक ही इनिटियल पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ एंगल बन रहा है। तो ये एंगल के अंदर जो है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू ये है इंटीरियर एंगल। इसको जो एंगल के अंदर रहते हैं उसको इंटीरियर एंगल कहते हैं और एंगल के जो बाहर रहते हैं ये जी ये और ये एच ये है एक्सटेरियर एंगल। जो एंगल के बाहर रहते हैं वो एक्सटेरियर एंगल होते हैं, जो अंदर रहते हैं वो इंटीरियर एंगल कहते हैं और जो ये प्लेन के ये एंगल प्लेन के ऊपर जो रहते हैं उसको क्या कहते हैं लाए ऑन द एंगल कहते हैं। इस एंगल को लाए ऑन द एंगल कहते हैं। तो पॉइंट पी क्यू व्हिच लाए इनसाइड द एंगल तो कॉन्स्टिट्यूट द इंटीरियर एंगल। ये जो क्यू पी एंगल अंदर है उसको इंटीरियर एंगल कहेंगे। द पार्ट ऑफ द प्लेन व्हिच लाए आउटसाइड द एंगल द कंटेंट पॉइंट जी एंड एच इज कॉल्ड द एक्सटेरियर ऑफ एंगल। ये जी और एच जो है ये एक्सटेरियर ऑफ एंगल कहेंगे। और पॉइंट सच एच सी ए एफ डी ई आई एफ लाए ऑन द एंगल, इसको लाए ऑन द एंगल कहेंगे। ये जो एंगल के ऊपर ये जो पॉइंट है उसको लाए ऑन द एंगल कहेंगे, एंगल के ऊपर है ये। तो ये इंटीरियर एंगल एक्सटेरियर एंगल एंगल के बारे में पता चले। उसके बाद ये देखो, नेम द एज ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन डिफरेंट वे। ये एम और के और एल ये दो टोलो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट है तो यहाँ एंगल बन रहा है। तो इसको एल के एम एंगल भी बोल सकते हैं, एम के एल एंगल भी बोल सकते हैं, एंगल के भी बोल सकते हैं और एंगल थर्टी भी लिख सकते हैं। यहाँ भी ऐसे सी बी ए एंगल भी बोल सकते हैं, ए बी सी एंगल भी बोल सकते हैं, बी एंगल भी बोल सकते हैं, एंगल फिफ्टीन भी बोल सकते हैं। यहाँ भी वाई एक्स जेड
जेड एक्स वाई भी एंगल बोल सकते हैं, वाई एक्स जेड भी एंगल बोल सकते हैं, एक्स एंगल भी बोल सकते हैं, एंगल टेन भी बोल सकते हैं। ऐसे एंगल को हम दिखाते हैं। उसके आगे देखो इन द फिगर अंडर द अनदर नेम, यहाँ बना है यहाँ एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल वन, ऐसे बन के इन द फिगर। एंगल टू को क्या पढ़ेंगे, एंगल टू कहाँ है यहाँ, तो सी डी ए ई एंगल पढ़ेंगे, एंगल टू को डी ए ई और ई ए डी ऐसे पढ़ेंगे। एंगल फोर को बी ए सी पढ़ेंगे, सी ए बी पढ़ेंगे, बी ए सी, सी ए बी। एंगल फाइव को ए सी डी पढ़ेंगे, एंगल डी सी ए पढ़ेंगे, ए सी डी डी सी ए। एंगल वन को क्या पढ़ेंगे, ए डी सी पढ़ेंगे, सी डी ए पढ़ेंगे, ए सी डी सी डी ए। एंगल सिक्स को क्या पढ़ेंगे, ए एफ ई एंगल पढ़ेंगे और ई एफ ए एंगल पढ़ेंगे, ए एफ ई ई एफ ए एंगल पढ़ेंगे। ऐसे एंगल को हम दर्शाते हैं। तो ये फिगर में यहाँ एक टू एंगल बन रहा है, यहाँ एक टू एंगल, यहाँ एक टू एंगल, यहाँ एक टू एंगल। तो एंगल एस पी क्यू, पी क्यू आर, क्यू आर एस, आर एस पी, इससे एंगल पढ़ सकते हैं। ये देखो ये एंगल में ये एक टू रॉ, एफ ओ, ओ ई, ओ डी, ये तीन टू रॉ है, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं और कॉन्करेंट हो रहे हैं। तो यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ दो टू एंगल बन रहा है, यहाँ एक टू एंगल, यहाँ एक टू एंगल। तो कैसे पढ़ेंगे, द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, डी ओ ई का इंटीरियर एंगल क्या है, ए, डी ओ ई का इंटीरियर एंगल ए। इन द एक्सटीरियर एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ का एक्सटीरियर एंगल क्या है, ए सी। उसके बाद ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ के, ई ओ एफ के लाया में कौन है, ऑन ई ओ एफ, ये ई है, बी है और ओ है और ये एफ है इसके ऊपर। तो पॉइंट ई ओ एफ लाया ऑन ई ओ एफ एंगल, ई ओ एफ एंगल के ऊपर ये पॉइंट लाए हैं, ई पॉइंट, बी पॉइंट, ओ पॉइंट, एफ पॉइंट। अब ए और सी लाए ऑन द एक्सटेरियर ऑफ ई ओ एफ, ए और सी एक्सटेरियर ऑफ ई ओ एफ, पॉइंट ए लाए ऑन द इंटीरियर ऑफ